सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिचुअल होता है। हाँ प्रिय, तो करना चाहिए। हम हमेशा खाने से पहले अल्लाह ताला से प्रे करते हैं। यस, रिचुअल नहीं स्पिरिचुअल। हम ही पहले भगवान को भोग ऑफर करते हैं और उसके बाद प्रे करके खाते हैं। लेकिन तुम्हारा भगवान यहाँ आके कैसे खा सकता है? जैसे वो तुम्हारी दुआ कानों से सुन सकता है, वो वैसे ही यहाँ पर आके खा भी सकता है। भगवान का फॉर्म पर्सनल है। अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुंह से आके खा भी सकते हैं। उनके कान और मुंह दोनों है। शालिनी, तुम प्रे नहीं करती खाना खाने से पहले? नहीं, लेकिन मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि हमको वो गॉड ऑफ फूड को और फार्मर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। यू मीन अन्नपूर्णा देवी? व्हाट, गॉड ऑफ फूड? यस, हमें उन्हें थैंक करना चाहिए और साथ में फार्मर्स को भी। बट आई बिलीव इन वॉटरिंग द रूट्स। देखो, हम हमेशा क्रिएशन को तो अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन हम क्रिएटर को ना अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अभी सोचो, पानी ना हो, हवा ना हो, उपजाऊ मिट्टी या धरती माँ ना हो, तो फार्मर क्या कर लेगा? So I believe that we should be thanking the creator, the Lord, who is providing us with all the basic necessities. Point. अब तुम किस किस को थैंक करेगा? वैसे भी तुम्हारे 33 करोड़ तो देवी देवता हैं। बताओ किस किस को थैंक करेगा तुम? और शांडी, तुम बताओ तुम किस गॉड को मानता है? मैं ऐसे किसी गॉड को नहीं मानती, लेकिन आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। सी, आई एम वेरी सॉरी, बट आपने अपने वो बड़े भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर पर लेकर पूरे इंडिया का चक्कर लगा रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता है, वो गॉड हो सकता है क्या? अच्छा, मे बी, आई डोंट नो मच अबाउट दिस स्टोरी, बट ही इज वेरी फेमस, एंड नॉर्थ में तो राम जी भी बहुत फेमस है ना। उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा ना, सबको पता है, उनकी वाइफ को रावण ले गया था। हाँ पता है। अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है, वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता, उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए, और उस वानरों को भी तुम पूछता है। आई एम सॉरी। और गीता, तुम कृष्ण को मानती हो, और वो तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे, ऐसा कैसा करेक्टर है गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है, और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़कर चले गए थे? गॉड को कभी डर लगता है क्या? और जिसे खुद डर लग रहा है वो तुम लोगों की हेल्प कैसे करेगा? Shit, यार, this is so complicated and confusing. It is confusing because you are following the wrong path. It is very beautiful and sacred. I will show you the right path. Enough, Asifa. I know what you are trying to do. And Shalini, कुछ भी confusing नहीं है. You know what the problem is? कि तुझे पता ही नहीं है, क्योंकि तूने आज तक शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं. तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, और वो भी एक प्रामाणिक गुरु के अंडर रह के उनकी शरण लेके। अब अगर तुमने शास्त्र पढ़े होते तो तुमको ये पता होता कि शिव जी ने जो इमोशंस उसमें दिखाए थे वो शोक नहीं, विरह था। विरह, विरह दोनों सेम नहीं होते क्या? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। शोक इज मटेरियल एंड विरह इज स्पिरिचुअल। शोक ना दुख की अनुभूति कराता, व्हेयरएज जो विरह है उसमें जो सेपरेशन की फीलिंग होती है ना, वो सुख का अनुभव कराती है। भगवान भगवत गीता में ना शोक करने वाले व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं। गतासुन अगतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता, अ वाइज मैन नेवर लेमेंट्स फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 11। अपनों की मौत पे आंसू बहाना शोक है, लेकिन वही रामायण देखते देखते जो आंसू निकले ना, वो विरह है। विरह, और ऐसे विरह से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो जिस तरह से शिव जी ने विरह को दिखाया था, उसी तरह राम जी भी सीता मैया के जाने के बाद विरह में भटकते हुए रो रहे हैं। और यही नहीं, सीता देवी इतनी प्योर है ना कि उन्हें राम जी के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता था। रावण जिनको लेके गया था वो छाया सीता देवी थी, असली सीता देवी तो अग्नि में समा गई थी और वो अग्नि परीक्षा के वक्त बाहर आई थी। और आसिफा, तू क्या बोल रही थी? भगवान राम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानरों की मदद लेनी पड़ी थी। आई मीन गॉड इज ऑल पावरफुल, राइट? हाँ, आई मीन वो अकेले भी तो मार सकते थे ना। यार शालिनी, अगर तूने कभी रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता, जब खर और दूषण आए थे अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ जो इंसान को खा जाते थे, उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिना किसी की हेल्प के उन सब के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब ऐसे राम के लिए रावण को मारना मुश्किल है क्या? हाँ, लेकिन बाद में वानरों की हेल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। अरे, उन्होंने तो एक छोटी सी गिलहरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था। व्हाट, कभी पढ़ा हो तो पता हो ना। खैर,
और हम हनुमान जी की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों की सेवा है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं। जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूँ तो वो खुश होती है ना। पॉइंट। इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और रही बात 33 करोड़ देवी देवता की, आसिफा तू मुझे ये बता, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर इन मूवीज? साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और शालिनी तेरी? रोमांटिक एंड कॉमेडी। एग्जैक्टली। जैसे हर किसी का अपने नेचर के अकॉर्डिंग फेवरेट जॉनर होता है, वैसे ही भगवान ने हर किसी के नेचर के अकॉर्डिंग व्यक्ति के लिए उसके नेचर के अनुसार वेद और पुराण दिए हैं, और उन्हीं पुराणों को फॉलो करके लोग अपनी देवी देवता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये सभी देवी देवता भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे रोशनी के देवता सूर्य देव, हवा के देवता वायु देव, बारिश के देवता इंद्र देव, जैसे एक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी पोजीशंस होती हैं, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की जरूरत पड़ती है। तो मतलब वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करेंगे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे, रास लीला करेंगे। स्टॉप इट आसिफा, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। तुझे पता ही क्या है कृष्ण के बारे में? जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला है, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, उनको बोलो पहले भागवतम पढ़ ले। ठीक रास लीला से पहले भगवान ने गोवर्धन उठाया था, उनको बोलो पहले जाके गोवर्धन पर्वत उठाए। पैदा होते ही पूतना को मारा था, बच्चे से एक मच्छर नहीं मारा जाता। व्हेन ही वाज क्रॉलिंग मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया था। तू अपने मुंह में अपना ये हॉस्टल ही दिखा दे आसिफा। क्या तुम जानते हो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, और सबके अलग अलग महल थे, और हर एक महल में श्री कृष्ण सबके साथ होते थे एक ही समय पर रोज। सारी रानियां कृष्ण से खुश थी और उन सबकी जरूरतें कृष्णा पूरी करते थे। क्या किसी नॉर्मल से इंसान के लिए ये सब संभव है? आज के टाइम पे तो एक ही नहीं संभलती, लेकिन उस टाइम सारी रानियां एक दूसरे के साथ खुश थी और उन्हें खुश कृष्ण रखते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। और रही बात ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला करने की, तो इतना जान लो कि रास लीला के टाइम पर करोड़ों गोपियां थी और कृष्ण पूरे टाइम हर एक गोपी के साथ मौजूद थे और उनके साथ डांस कर रहे थे। एक टाइम पे करोड़ों गोपियों के साथ, ये सब बहुत डीप लीलाएं हैं, और ये सब तभी पता चलेगी जब साधुओं के संग में रह के शास्त्रों को पढ़ा जाएगा। हवा में तीर चलाने से या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से कुछ नहीं होने वाला। और रही बात अपने भक्तों को बचाने की, तो भगवान ने तो अपने भक्त परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया, 5 साल के प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए और उनको बचाया, यहाँ तक कि वो अपने गुरुदेव सांदीपनि मुनि के बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिंदा किया। I'm really impressed यार, हिंदू होते हुए भी मुझे ये फैक्ट्स पता ही नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इन सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, पेरेंट्स की तो गलती है, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। We're not learning about our culture, not reading रामायण, महाभारत और भगवत गीता। आजकल तो ये सब कुछ रीड करना बहुत इजी भी है यार, everything is available on our phones. And the problem is that we don't want to learn. और इसीलिए हमें कोई कुछ भी बोलता है और हम उसे मान लेते हैं और अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्चुअली में पता है, किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है तो प्यार से करो, ज्ञान से करो, पैसे और तलवार से नहीं। और अब बारी आपकी है, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐड़ा गेड़ा नत्थू गेड़ा अगर आपको कुछ भी ना बोल जाए, आपका बेवकूफ ना बनाए, तो जाइए और अपने कल्चर के बारे में जानिए, ग्रंथ पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। जाकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि कोई और लड़का या लड़की इस केरला स्टोरी का शिकार ना बने। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और भक्ति टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें।